वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों जो हम सिखा रहे हैं ना नस्ल नस्ल पे पहल दो नस्ल बनाओ, तो इसी तरह हमारे एक भाई ने बंगाल से अपने घर में नस्ल बनाई है। देखो एक ही कलर की नस्ल बनाई है और उसके बच्चे भी सेम कलर के निकल के आए हैं, ठीक है। तो देखो भाई अगर सीख रहा है तो ही नस्ल बना रहा है, और जितनी अब तक वीडियो हमने डाली उसमें भी भाई देखो बातों को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि हाँ नस्ल में हमें क्या देखना चाहिए, क्या देख करके जोड़ा लगाना चाहिए। तो भाई ने हमारे देखो नस्ल पर ध्यान दिया और अपने घर बच्चे बनाए। देखो बच्चे कितने बेहतरीन बदन के बच्चे निकले हैं, काफी अच्छा जोड़ा है। शायद भाई ने देखो पकड़ के सही नहीं दिखाया कि क्या रंग रूप सही है उनका और आंखें किस टाइप की, मगर जो भी दिखाई दिया सही दिखाई दिया, बच्चे काफी लाजवाब दिखाई दिए। तो आपको भी देखो भाइयों मेहनत करनी चाहिए नस्ल बनाने पर। आप भी अपने घर कोई भी रंग सिलेक्ट कर लें एक दो, और जिनकी उड़ान अच्छी हो बेहतरीन हो, एक कलर के बच्चे निकालते हो। जैसे कि अब हमारे घर भी, पहले हमारे घर पर 10 रंग हो रहे थे, तो भाई हमने भी देखो अब दवाज और कल दो में 2 कलर को पहल दी है, इन्हीं की नस्ल बना रहे हैं और बाकी आउट, ठीक है। तो आप भी प्लीज अपने घर जो है अच्छी नस्ल पर जोर दें और नस्ल बनाएं। तो देखिए भाई की वीडियो, भाई ने क्या गुल खिलाया है और क्या बनाया है। तो भाइयों से अपील करते हैं कि प्लीज एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें और एक दूसरे के यहाँ नस्ल बनने पर पहल दें। देखिए वीडियो। नमस्ते इमरान भाई, मैं गौतम कर्मकार बोल रहा हूँ बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। आपका जो मुहिम चल रहा है ना घर घर नस्ल, मैं बना चुका हूँ आपके पास, मैं भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार सही है यार गलत, मुझे लगता है सही है, आप देख सकते हो एक बार। वो जो हम लोग का जो देसी कबूतर है ना उसी का मैं नस्ल बनाया है। वो जो हम लोग के तो वही कालसीरा कहती है, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो बोला था उसी तरह से मैं बनाया आपको। मैं पहले दिखाऊंगा मेरा जो मेन ब्रीडिंग पियर है मारिन, उसी को मैं दिखाऊंगा, देख लीजिए एक बार। वो अंडे में है अभी, हाँ देख लीजिए ये मारिन है, आप देख सकते हो ये मादिन है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। और जो नोर है वही मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये देख लीजिए उसी का नोर ही है, ये जोर है एक पियर है, देख लीजिए एक बार। अभी मैं इसको बाहर छोड़ने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए एक बार, और उसी को मैं बच्चा लिया है, दिखाऊंगा आपको ये देख लीजिए, सब उसी का नसल है। सब एक ही कलर है और एक ही आग एक ही ब्लड ही है। देख सकते हैं आप, और अभी ये अंडे दिया है और दो ये अंडे भी आप देख सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक नुस्खा बताना जा रहा हूँ सभी को, कबूतर जिंजर में जितना दोस्त है आपका हमारा है, सभी को मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। गर्मी मौसम में वो चींटियाँ होती है बहुत ज़्यादा, वो काटती है और कबूतर को करीबन 24 आवर्स उसका खाना पीना रुक जाती है और वैसे बैठ जाती है। देख सकते हो मेरा कबूतर को काटा है, वो जो नॉट दिखाया आपको वो देखिए, वो काट लेता है, वो चींटियाँ ऐसी है मेरा घर में बहुत हो गया है, देखिए ऐसे बहुत हो जाती है गर्मी का मौसम है, क्योंकि हम लोग इधर बहुत ज़्यादा बम्बू का जो
गाज है बहुत ज़्यादा है, तो वो चला आती है ऐसे में। तो उसमें दवाई है जो सूथल रहती है ना, सूथल सूथल जो घमोरिया के हम लोग जो लगाते आदमी लगाते हैं गांव में, तो वो सूथल लगाने से वो 3-4 घंटे में वो ठीक हो जाती है। फिर कबूतर फिर खाना पानी सब पीने लगते हैं। और एक बात मैं आपको आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप जो नुस्खा दिया था वो सूखा का जो दवा दिया था आपने, उसमें एक दवाई हम लोग इधर नहीं मिल रही है। एक मतलब मिल रही है, लेकिन वो दवाई पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है, तो बहुत कीमती हो जाती है, 1800 रुपये एक पैकेट के लिए। वो है शिलाजीत जो गोल्ड है, तो वो हम लोग नहीं खरीद पाते। तो उसके बदले में अगर कुछ है तो वो हम लोगों को बता दीजिए, तो हम लोगों का थोड़ा सुविधा मिल जाएगा। लेकिन वो 1800 रुपये हम लोग नहीं खरीद सकते। प्लीज़ आप मुझे वो दवाई बता दीजिए। और हमारा जो नसल बना है आप देख सकते हो, और एक बार देख लीजिए, और एक बात मैं और एक ब्रीडिंग पेयर के लिए जो आप बनाना चाहते हैं, वो खांचा जो आपने बताया था वो मैं बनाया, उसमें 2 अलग सब पेयर है मेरे पास, वो सहारनपुरी का है। वो आपके आप जो बोला था जो 100% देख के उसके बाद लेके आइए, मैं वो लेके आया हूँ, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और एक बात इधर आपने बोला था बंगाल में 100% पेयर नहीं मिलता, वो सच में नहीं मिलता है। जिसके पास है अभी तक वो लोग ऐसे ही है, चिड़ी मड़ी करती है और किसी को नहीं देते, पैसे भी देगा तो भी नहीं देगा। मेरा अच्छा कबूतर है मैं रख दूँ, ऐसे है इन लोगों का। तो ऐसे करेंगे तो घर का नस्ल कभी नहीं बनाएगा बंगाल में। सभी को हेल्प करना बनना पड़ेगा, और मैं यही चाहता हूँ घर घर नस्ल बने और सभी के पास नस्ल ही नस्ल रहे। वो पेयर आपको मैं दिखा रहा हूँ वो 100% है, वो सहारनपुरी कट वाले ने आपसे कहे थे इधर में, आप एक बार देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रखता हूँ, बाय, थैंक यू। अब ऐसे करते रहिए, हर लोगों को हेल्प करना चाहिए, और आपके जैसे हम लोग भी बनना चाहते हैं, और यही मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय।